आमतौर पर छात्र सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज अच्छी नौकरी की गारंटी होती है और ऐसे छात्रों से के सपने भी अब पूरे करने के लिए दावा करते हैं एनआईटी और एप्टेक जैसी संस्थान। लेकिन जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इन संस्थानों में कई जगह ऐसे कोर्स चलाए जाते हैं जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन भी लिया है। आरोप ये है कि इनके कई कोर्स गैर कानूनी है, इनकी कोई सरकारी मान्यता नहीं है, ये कोर्स सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से चलाए जा रहे हैं। छात्रों को इनसे सरकारी नौकरी मिलने के में कोई फायदा नहीं होगा। इस पर कड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी संस्थाओं को नोटिस भेजा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, बताएं एनआईटी एप्टेक जैसी संस्था के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मानसी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये संस्थान है, यहाँ पर जो भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से कोरा पेपर है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रही है सरकार। सरकार के जो मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं संभाजी पाटिल, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने पूरी तरह से ये बात कही है कि जो ये संस्थान है, चाहे वो एप्टेक हो, एनआईटी हो या इसकी तरह की और भी जितनी संस्थाएँ हैं, उनमें से करीब सिर्फ मुंबई में ही 300 से ज़्यादा ऐसे संस्थान हैं जिनको इन्होंने नोटिस दी हुई है। ये नोटिस जो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जो विभाग है उसकी तरफ से दिया गया था, जिसका कहना है कि 2013 को ये एक्ट बनाया गया है कि जो भी इस तरह के जो संस्थान हैं जो अनऑथराइज्ड एजुकेशन दे रहे हैं, कोर्सेज चला रहे हैं, वो पूरी तरह से ही गैर कानूनी है। अगर इस तरह के जो भी कोर्सेज चला रहे हैं और अगर उनको सरकार ने मान्यता नहीं दी है तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिसके ऊपर नोटिस देने के बाद अब सरकार कार्रवाई करने के मूड में है। निश्चित तौर पर यहाँ से जो भी बच्चे निकलेंगे, जिन बच्चों को ये सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, वो जो सर्टिफिकेट है वो किसी काम के नहीं होंगे। हालांकि हमारी जब बात हुई है एप्टेक और एनआईटी से जब बात हुई है, अभी फिलहाल ये बोला है कि इस मामले पे कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद ही इस पर बात कर पाएंगे। मानसी जी, बिल्कुल सुबोध, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।